नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। यहां पर मार्केट काफी समय से जो है कंसोलिडेट कर रहा है, क्या यहां पर मार्केट के अंदर कोई उछाल आ सकती है या फिर मार्केट में आएगी यहां पर कोई गिरावट, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, हमने यहां पर स्टार्ट किया है एक नया यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, और ओवरऑल हमने यहां पर एक नया एक चैनल जो है स्टार्ट किया है जिसका नाम है यहां पर ग्रैंड ट्रेड अरीना। यहां पर इस चैनल, नए चैनल के ऊपर हम जो बातचीत करेंगे वो करेंगे बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें फॉरेक्स, कमोडिटीज, स्टॉक्स और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज भी इंक्लूडेड होंगी। काफ़ी कुछ सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें होने वाली है जो कि हम अपने नए चैनल के ऊपर करने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे नए चैनल का, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को ज़रूर मिलेगी, और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नया कंटेंट जो कि लेकर आने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जहाँ पर हम चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर प्राइजेस चल रहे हैं मार्केट में, क्या कुछ चार्ट्स हैं और क्या कुछ हमको आने वाले समय में होते हुए दिखता है मार्केट के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर डिस्कशन करेंगे यहां पर कि क्या कुछ हमको दिखता है। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर अभी मैं फटाफट स्क्रीन को स्विच कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी ये लोड ही हो रहा है एक्चुअली में। ये हम देख सकते हैं कि कॉइन 360 पे हमने यहाँ पर देखा कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 19,063, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 1,052, बीएनबी का प्राइस चल रहा है 214,214, और ओवरऑल अगर हम मार्केट की अगर हम बात करें तो एक फ्लैट सा मार्केट है, 19,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या यहाँ से मार्केट जो है वो फर्दर बाउंस करेगा या फिर मार्केट में कोई एक गिरावट आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफी समय से जो है वो 19,000 21,000 के बीच में जो है वो ट्रेडिंग चल रही है काफी लंबे समय से। तो यहां पर हमको जो है वो चार्ट पर चलना पड़ेगा जहां पर कि हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ एक्चुअली में देखने को मिल सकता है हमको चार्ट के ऊपर, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर स्पेसिफिकली सबसे पहले, और उसके बाद हम इथेरियम के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त यहां पर बिटकॉइन के चार्ट पर ना बिताकर आप लोगों को मेनली जो कोशिश करूंगा वो बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर बेसिकली हम इथेरियम के ऊपर क्या कुछ चीज़ें देख सकते हैं सबसे पहले, लेकिन हम यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे। ये चार्ट मैंने कुछ देर पहले अभी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है बेसिकली, राइट। कुछ लोग इसको कहेंगे कि नहीं ये ट्रायंगल नहीं है, कुछ और तरीके का पैटर्न बन सकता है, राइट, हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पर ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे एक सपोर्ट लाइन है। अब यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बाउंस देखने को मिल जाए मार्केट में ऊपर की तरफ कुछ इन लेवल्स के आसपास, हो सकता है कि अगले एक दो दिन के अंदर हमको बाउंस देखने को मिले, और हो सकता है कि ये आज ही रात को भी बाउंस देखने को मिल जाए स्ट्रेट ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से। ये दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन यहां पर अगर हम मार्केट को सोच रहे हैं कि क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो फिलहाल के लिए मार्केट रेंज बाउंड है, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो यहां पर समवेयर अराउंड दिस लेवल, जो कि समवेयर अराउंड मैं बात करूंगा 22,000 के आसपास के लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है सबसे पहले। अगर 22,000 के ऊपर अगर यहां पर मार्केट निकलता है देन 23,000 इज ऑल्सो अनदर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए, जो कि यहां पर हमको यहां पर दिखाई देता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में 22,000 और 23,000 के ऊपर निकलने में अगर मार्केट अगर कामयाब अगर होता है तो फिर हम यहां पर बुलिश हो सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम यहां पर 22 और 23,000 के ऊपर यहां पर बिटकॉइन के प्राइस को ना देखें तब तक हम यहां पर फिलहाल के लिए बुलिश स्टेटमेंट जो है वो नहीं दे सकते। और हालांकि ये जो यहाँ पर है ये एक तरीके से हमको एक ये बेयर फ्लैग जैसा ज्यादा नजर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके से ये जो है ये एक हमको एक पोल नजर आ रहा है और ये एक बेयर फ्लैग नजर आ रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से फ्लैग बना हुआ है। यूजुअली ये जो फ्लैग है नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, और जितनी बड़ी इसकी लेंथ होती है उतना ही बड़ा यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद टारगेट आता है। अगर मैं इसके हिसाब से अगर मैं इसका टारगेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा
तो राउंड अबाउट ये जो यहाँ पर जो टोटल मिला के ये जो है $6,000 $5,500 करीब करीब $5,500 के आसपास का ये पूरा का पूरा हमको यहाँ पर ये पेनेंट नजर आता है, बेसिकली पेनेंट नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये 19,500 जो कि एक एवरेज प्राइस है राउंड अबाउट, अगर वहां से भी गिरता है तो भी 14,000 के आसपास के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर 14,000 के आसपास के टारगेट हमको लगा के चलना चाहिए कि मार्केट आने वाले समय के अंदर हमको ये जो है ये 15,000-14,000 के आसपास के लेवल्स हमको दिखा सकता है, अगर ये 19,500 से भी ब्रेक हुआ तो। ऐसी सिचुएशन में हमको ये चीज जान लेना चाहिए कि 14,000 कैन बी द टारगेट फॉर बिटकॉइन, जो कि नीचे की तरफ डायरेक्शन में हो सकता है। और आप सब लोग वो याद करा दे कि 14,000 एक्चुअली में एक पहले रेजिस्टेंस भी रह चुका है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 13,980 विच इज वेरी क्लोज टू 14,000, ये लेवल्स हो सकते हैं एक्चुअली में बिटकॉइन के डाउनसाइड के टारगेट। और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 14,000 से लेकर 12,000 के बीच में यहाँ पर जो है बिटकॉइन का प्राइस टारगेट यहाँ पर हो सकता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। सो लेट्स सी क्या कुछ होगा आने वाले वक्त के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए बिटकॉइन के लिए ये कुछ अपडेट है। अभी हम बात करेंगे इथेरियम के ऊपर थोड़ी सी, और इथेरियम के चार्ट के ऊपर भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर सिनेरियो है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं क्या, यहाँ पर यहाँ से क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्या इथेरियम का प्राइसेस क्या ऊपर की तरफ शूट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं वापस आना चाहूँगा एक बारी के लिए 4 आवर्स के चार्ट पे या फिर वन डे के चार्ट पर, बेसिकली वन डे के चार्ट पर आते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पहले यहाँ पर सपोर्ट था विच वॉज अराउंड $1,700 के आसपास, तो क्या $1,700 को ये जो सपोर्ट था क्या इसी को ही रीटेस्ट कर सकता है क्या यहाँ पर इथेरियम का प्राइस? देखिए यहाँ पर मार्केट में सब कुछ चीज़ें जो चलती हैं वो चलती हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हिसाब से। और मैं अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं भी फिलहाल के लिए 4 घंटे के चार्ट पर आया हूँ, जिसमें हम जो अभी तक जो यहाँ पर जो सिनेरियो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि देखिए ये एक लो बना था, राइट। और उससे पहले इससे पहले जो यहाँ पर जो हाईस थे वो कुछ यहाँ थे समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूँ तो 1250-1255 के आसपास, राइट। और उसके बाद ये एक लो बना था समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूँ तो 884-885 के आसपास, 880 के अराउंड मान लेते हैं हम यहाँ पर एक ही लो बना था। और उसके बाद ये जो हाई बना है, ये हाई बना है इस वाले हाई के ऊपर, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बना, ये एक रेंज है। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर अगर हम देखेंगे, जूम कर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली, जो कि हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। And this resistance is very close to $1,300. अगर यहाँ पर मार्केट $1,300 को क्रॉस करने में यहाँ पर कामयाब अगर होता है, अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है 1,300 के ऊपर यहाँ पर कैंडल क्लोजर हमको एक दो दिन यहाँ पर अगर देखने को मगर मिलती है, तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर 1,700 तक जा सकता है। अदरवाइज जब तक ये 1,300 के ऊपर हमको पर डे के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2-3 दिन कम से कम अगर हमको यहाँ पर अगर ये कैंडल क्लोजर अगर 1,300 के ऊपर ना मिले, तब तक हम यहाँ पर बुलिश स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं कह सकते कि 1,300 के बाद ये 1,700 जा सकता है कि नहीं। फिलहाल के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम लग रही है मेरे को कि ऊपर की तरफ मेरे को नज़र आए मार्केट 1,700 तक इथेरियम का प्राइस नज़र आए, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत 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 कम है। फिलहाल के लिए ये सारा सिचुएशन हमको चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर चार्ट से हटकर कुछ और चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो फंड निकल कर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। कुछ लोग बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर USDT का फंड है, कि USDT के पास उतने रिजर्व्स ही नहीं है जितना कि यहाँ पर उन्होंने USDT को मार्केट के अंदर लेकर आ चुके हैं, तो ये एक फंड निकल कर आता है। उसके अलावा यहाँ पर मार्केट में फंड निकल कर अभी पीछे आया था कि KuCoin जो एक्सचेंज है, KuCoin जो एक्सचेंज है बेसिकली, वो अपने डिपॉजिट्स और विड्रॉल को बंद करने वाला है, ऐसे कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आ रही थी, काफ़ी सारा फंड फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जो CEO है KuCoin के, KuCoin के, उन्होंने यहाँ पर आकर ट्विटर पे एकदम क्लियर कर दिया कि यहाँ पर कोई भी ऐसी हम चीज़ नहीं करने वाले, ना ही ऐसा कुछ हमारा कोई इंटेंशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फड है, इस तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए जो फड है, ऑफकोर्स बेयर मार्केट है तो बेयर मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ ही चलेगी, और नेगेटिव न्यूज़ के भरोसे ही यहाँ पर मार्केट को गिराने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग फंडामेंटल्स देखते हैं उन लोगों को यहाँ पर कन्विंस किया जा सकता है कि मार्केट अभी गिरेगी और अपना सामान जो है, अपने जितने भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, जितना भी आपके पास माल पड़ा हुआ है वो बेच दो, ऐसी सारी सिचुएशन बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा मानना सबसे ज्यादा एक ही है कि देखिए अगर आपको चार्ट्स पे भरोसा है, अगर आपको अपनी खुद की काबिलियत पे भरोसा है पूरा का पूरा, और आप यहाँ पर चार्टिंग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो सब कुछ जो चीजें हैं
प्राइस जो है वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को अगर आप सीख ले, जिसमें कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हायर हाइज हायर लोज और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बाकी सारी चीजें जो हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज, अगर आपने ये सिर्फ चार कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए, बहुत ही ईजी है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा कोई गणित लगाने की कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हायर हाइज हायर लोज और लोअर हाइज, ये चार चीजें समझने की जरूरत है सबसे पहले प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने ये चीज अगर आपने समझ ली, उसके बाद आपके लिए ट्रेड करना और मार्केट में इन्वेस्ट करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखनी है या फिर यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखनी है। तो इस चीज के लिए आप यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप चार्ट्स को जरूर देखें, मार्केट में इंडिकेशन चार्ट्स पे क्या मिल रहे हैं। अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन चार्ट की तरफ से अगर निकलते हुए आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भी मार्केट को मैंने पंप होते हुए देखा है। और अगर मार्केट में चार्ट्स अगर नेगेटिव अगर होते हैं, यहाँ पर चार्ट्स में अगर हमको ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है जिसके अंदर की मार्केट जो वो नीचे की तरफ जा सकती है, तो पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद भी मैंने मार्केट को नीचे जाता हुआ देखा है। दिस इज माय एक्सपीरियंसेस इन लास्ट 5 years इन क्रिप्टो मार्केट। और मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि मार्केट को यहाँ पर ये चीज कहना कि किस तरीके का मूवमेंट नेक्स्ट होगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर हम इस चीज के अगर यहाँ पर चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे, तो न्यूज बाद में आएगी, पहले आप अपना एक्शन जो है वो ले चुके होंगे और आपने ट्रेड को भी जो है वो विन कर चुके होंगे ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का। तो ये दोस्तों ये सारी चीजें हैं, फट तो निकल निकल कर आते ही रहेंगे। और इन सब चीजों से थोड़ा सा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अगर आप सीखने पे ज्यादा ध्यान दें, जहां पर कि आपको पॉजिटिव न्यूज भी दिखें नेगेटिव न्यूज भी दिखें, और साथ ही साथ उसी के हिसाब से अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को चार्ट्स को भी इंप्लीमेंटेशन कर पाएं, तो वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यही सब कुछ चीजें जो कि आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करनी थी आज के इस वीडियो में, जहां पर हमने बातचीत करी बिटकॉइन के हिसाब से यहां पर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं, इथेरियम में क्या कुछ चीजें दिख रही हैं, कहां रेजिस्टेंस कहां सपोर्ट, और उसी के साथ साथ हमने यहां पर बातचीत करी कि क्या कुछ फड वगैरह निकल निकल कर आ रहे हैं और उन सब चीजों के हिसाब से क्या कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।